जान से बाहर निकल के देखा मैं प्रभु से क्या बोल रहे हैं अनुल जलून नियोजन नीति काहे बनाते हैं जब महाधिवक्ता लोग सलाह देते हैं लोग विभाग इनके पास काहे ला है इनको सोच समझ कर नियोजन नीति लाना चाहिए और एक वर्ग विशेष को टारगेट कीजिएगा तो कहाँ से बहाली दीजिएगा नियोजन नीति रद्द न होगा बात को समझना चाहिए हम इनके बाप माई सोच रहे की बेटा के कब ब्याह करब हम ऐसे ही रह जाऊं नौकरी रहता हूँ ब्याह शादी करब नहीं हम लोग क्या हुआ शादी नहीं लग रही है शादी लग रही है मेरे कहाँ से खिया भाई पिया भाई जब कमाबे तब ना नौकरी मिलते ही टाइम लगे तब ना कहा तीन तीन साल हो गए संविधान कई दिनों बनल रहा है दो वर्ष ग्यारह महीने अठारह दिनों बनल रहा है जी पीछे, चल, पीछे, पीछे पीछे बोलते बोलते मुख्यमंत्री तो बोल ही रहे हैं की मुर्गा पालिए और ये सब तो मुर्गा पाल हम बीए ग्रेजुएशन एम बी ए के लिए किस लिए किया है शिक्षा मंत्री बैल है आठवा पास है अलूल जलूल बयानबाजी देते रहता है वालों डिप्रेशन में चला जाता है तो मुख्यमंत्री जी कही थे कि वैकल्पिक विचार कर रहे हैं ना तो कब करिए जब हम इनकी उम्र पार हो गई तो पाँच बरस की एज रिलैक्सेशन दी है बाद में तो ऐसा बोलिए ना रहे हैं नहीं बोलेंगे बोलने से क्या होगा बोलने से क्या हो जाएगा अगर हमारे मुख्यमंत्री बीएनडब्ल्यू कार से चलते हैं और यहाँ के छात्रों का साइकिल से चलने का औकात नहीं है आपके यहाँ संवैधानिक सुविधा है हमारे पास ये क्या सुविधा है आप अपने मित्रों के लिए फॉर्चूनर कार दे रहे हैं पाँच पाँच करोड़ का बिल्डिंग दे रहे हैं हम लोग के माँ बाप कितना दिन पालेंगे पोसेंगे कितना दिन कहते रहेंगे कि हम 30 साल तक तुमको खिलाते पिलाते रहे ये सरकार का मंशा है कि अगर इनको 1932 लागू करना था पहला कैबिनेट में क्या नहीं लागू किए थे यही सदन में यही सदन में बोलते हैं यही सदन में बोलते हैं कि 1932 लागू हम नहीं कर पाएंगे जब वो जब उनको लगा कि अब हमारा जो उच्च न्यायालय से हम नियोजन नीति हार रहे हैं उसके बाद मेरा क्या होगा तो उठा के ढकेल दिए अब इनके पास अब तो आपका इनके पास इतना फंडिंग है कि ये खतियानी जो हार यात्रा निकालते हैं अब कहते हैं कि रघुबर दास का पाप नहीं ढोएंगे ये इंसान हम बोल रहे हैं 25 साल में तैयारी करने में आए थे आज मैं 31 साल चल रहा है हमारे का उम्र लगा है आप तो फिर मुख्यमंत्री बनिएगा हम लोग कहाँ से होगा कौन लड़की देगी समाज में भी लोग यही पूछता है कि शादी ब्याह हम कब करोगे कब करोगे दरवाजा पे कोई आता तक नहीं है नौकरी मिलेगा तभी शादी ना भैया तो हम इतना दिन समाज देगा तब ना कोई लड़की देगा हाँ बेटी तो बेगारी नहीं है अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।